चीज के हाल हमर खान पान हमर रोटी पीता हमर भोज दाल ई हमर मन के पहचान है। और पहचान हम खोज रहे हैं आज दर्शन तिहार तो हर साल मनावत रहे हैं, लेकिन शासन की छुट्टी देने के बाद शासन के द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित करने के बाद हर छत्तीसगढ़ के आदमी अपन आप का गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमरो मन के तिहार में छुट्टी हो सकते शासन जिन्हें ध्यान दे सकते, ये महत्वपूर्ण बात हम अपन बिहार शान से मनावा था। एक बार बहुत बधाई आज हम दुनियावी में महिला मन के रोजगार पर जन योजना शुरू करें जिन्हें कपड़ा के सिलाई बटन लगाए के टिकट बनाए के साथ ही बस बनावा हमारा महिला मन अपनी बना रहे हमारे महिला मन हम पेंटिंग कार बनाओ हमारे महिला मन ईदा बनाओ थे। आज हमारे अपनाई से कोई कमी नहीं है, हमारे खेती के जो जमीन है वो खराब हो जा रहे हैं। आज अरे मालिक को कहा थे वो कहीं चिल्ला रहे थे पूरा दुनिया में बेहतरीन, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ सरगुल
ऊर्जा में बलवाई में जो जवाब पूरे ऊपर कोई कीमत नहीं हो सकता है वो देश कीमती होकर कोई मुकाबला नहीं। लेकिन हम आज तक प्रचार हमारा काम करना है ताकि मेहनत करके व्यक्ति है किसान है बेटा वाजिब होकर कीमत मिलना है सम्मान मिलना है ये जिसम हमारा काम आज देखा तो है बटन मशरूम या उत्पादन हो गए लकड़ी हमारे कोई कमी नहीं लेकिन बटन मशरूम उत्पादन होना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ के होटल में हिमाचल प्रदेश के बटन मशरूम नहीं बल्कि हमारे बिलासपुर की उत्पादित जिस बटन मशरूम है छत्तीसगढ़ के होटल में दिखना चाहिए ताकि हमारे यहाँ पर रोजगार भी लगे। आज गांधी जी के 50वीं वर्ष गांठ हम मना कर ये स्वावलंबन के बाद के हमारे स्वावलंबी बनना है तो हमने गांव इकाई बनाया है गांव स्वावलंबी बनना चाहिए उत्तर वाली दौखान हमारे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हमारे नारा दें कि छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जिला बचाना है सरवाई नरवा में पानी रुकना चाहिए। आज बिलासपुर के नाजी मन हर पर सूख के होकर पर आंदोलन कर रहे यदि हमारे जब तक हरपा नदी में जब तक नरवा आते चूके पानी आते यदि उधरों में लमन पुनर्जीवित करे वो समझ अरपा अपने आप पुनर्जीवित वो दिशा हमारे काम कर रहे न केवल अपना छत्तीसगढ़ में 30,000 ये नरवा है ढाई सौ अधिक छोटे बड़े नदी है ये मतलब पुनर्जीवित कर रो ताकि 12 महीना हमारे न निस्तार पर न पेयजल पर न खेती पर न उद्योग पर पानी की कमी होना चाहिए। ये हमारे गर्व दौरान आज मवेशी से सब परेशान किसान मन परेशान गांव के रैया शहर के रैया सब परेशान एक भी देश हो गए फसल बर्बाद हो गए बाजार में जावे तो बीमार गर्वर की तरह से दुकान मन नुकसान पहुंचा दे दौरान की व्यवस्था करें वो मवेशी पर चारा की व्यवस्था होकर पानी की व्यवस्था पर संयंत्र व्यवस्था और हमें चारा पर पैसा मिला आजकल चारा घोटाला बहुत होते छत्तीसगढ़ में भी गौशाला बहुत पुलिस गाय मन पर चारा पर करोड़ों रुपया आवंटित हुई सरकार के लेकिन जब गौशाला चली जाए मन बहुत जनों तो बहुत बढ़िया चला थे लेकिन कुछ एक महा चारा पैसा जता दे गरवा के मांस बेचे काम करे और चमड़ी बेचे काम करे और हड्डी बेचे काम करे बाजे खोजे जो पोता है तीनों ऊपर जो थाई मांगू रहते हैं उधर पार कर रखे ताकि जो मांस खाते उधर किराए काम करे बस व्यापार बना रही है इसे लेकिन हमारी जो योजना है जमीन जब से ज्यादा गोबर सप्लाई हो उससे हमारा फायदा गोबर से खातु बनते गोबर से वर्मी खाद बनते गोबर से स्थान बनी और आज वर्मी खाद गुजर रहे हैं अगर कहीं नहीं मन वर्मी खाद बना है 8 रुपए किलो बेचा ये खातु हम ट्राली खरीद रहे हैं 8 किलो में बेचा थे अभी एक जगह गए हैं गोबर से बने हुए वस्तु टिकरा कर दे धूप बना दे उपकरण बना दे सामान रखे पर केर रखे पर डायरी रखे पर सब जो सब तरह से मार वो कर लो गांव में भी पीछे जो यानी गोबर हमारे केंद्र में नहीं और गोबर से हम सब पैसा कमा दो तो मवेशी कब भूखा नहीं पड़ सकते साबर की जब से चारा खुआई तब से गोबर ये कितनी गर्भाधान की व्यवस्था ताकि दूध उत्पादन हो ताकि हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था दृढ़ होना चाहिए कृषि लागत कम होना चाहिए। आज जैसे 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदी करें क्या फायदा हुई पूरा हिंदुस्तान में एक उदाहरण दो में ये माफी 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदने के बाद पूरा देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जहाँ 19% की गिरावट आ रहा है अकेला छत्तीसगढ़ राज्य में 25% अधिक ऑटोमोबाइल बिक्री हो
छोड़ा जाने हिंदुस्तान में जब तक पूरा प्रदेश में मेडिकल कम की हो हमारे छत्तीसगढ़ में डिग्री बढ़े। हर क्षेत्र में आप देख लो विधान कर पैसा 20,000 करोड़ के धान खरीद करें, 4,000 करोड़ के ऋण माफी करें, 400 रुपया के हिसाब से 4,000 के हिसाब से प्रतिमाना बोला खेलू पत्ता खरीदें विधान के हरवा सिंह का मजदूर का सब कर पैसा आए और लाभ करें व्यापार में दूसरे प्रदेश में घाटा होता है लेकिन छत्तीसगढ़ में घाटा है। ये जो सरकार है सब ध्यान रखे और आज गांव हम समृद्ध बनाकर एक मतलब गांव वाला मंत्र पैसा रही जलालपुर के व्यापारी मंत्र खरीदता है ताकि मजदूर कर किसान कर और बेटी भाई मन के फर्ज में जब पैसा रही खरीद करे जाने करे तो गांव के भी व्यापार शहर के भी व्यापार बढ़ी। कुपोषण के खिलाफ हमें लड़ाई लड़ना है, गांव में दूध दही नदियां बहाना क्यों हमारे घर घर में बाड़ी में 30 करोड़ मुफ्त में अभी सब शादी में बोलकर भिंडी भी लाए थे गरका भी लाए थे बरबट्टी भी लाए थे ये बीज हमारा पेड़ में बाड़े रहे और उन सब्जी भी में शुरू हो गया ताकि पौष्टिक आहार हमें मिले। आज देश सर्वाधिक है उनका खिलाफ हमारा लड़ाई लड़ने लगी उनका दिशा हमारा काम कर छोटे छोटे हम इससे उधार जा रहे उनका लाभ बहुत ही व्यापक रूप से पूरे प्रदेश में आमूल चूल परिवर्तन करे दिशा में आगे हो बराबर जिन्हें आप सब सहयोग दो और ये जो गौठान है ये सरकार के भरोसे नहीं चलना चलाना है आप सबके सहयोग से चलाना है। पूरे काम न कर दें घेरा बनाए काम न कर दें पेड़ लगवाए काम न कर दें अब चलाए काम लग गांव वाला मन लग करना है चाहे गांव वाला मन करने का बिगड़ेगा अरे नहीं जरा हाँ तो चलाओ नहीं जरा ईश्वर पहले सीएम भूपेश बघेल जनता को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सभी को सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई।